नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। जिले को एक नया पहचान देने वाले नेशनल हाईवे क्रमांक 930 का निर्माण कार्य तेजी गति से जारी है। आगामी कुछ ही दिनों में दूसरे चरण का कार्य ग्राम झलमला से शेरपार तक 37 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा। वर्तमान में ग्राम कलकसा से तांदुला नदी तक प्रारंभिक डामरीकरण किया जा चुका है। वहीं तांदुला नदी पुल से जिला मुख्यालय सीमा में गंजपारा से नया बस स्टैंड व पाना बरस डिपो के मध्य नाली निर्माण एवं विद्युत पोल शिफ्टिंग का कार्य प्रगति पर है। विद्युत लाइन विस्तार के साथ ही पुल पुलिया निर्माण होते ही नगर की सीमा में सड़क डामरीकरण का कार्य किया जाएगा। गुणवत्तापूर्ण कार्य को देखते हुए उम्मीद है कि आगामी मार्च माह के पश्चात जिलेवासियों को सुगम आवागमन की सुविधा मिलने लगेगी। नेशनल हाईवे निर्माण विभाग को विद्युत विभाग से भी पूर्ण सहयोग मिल रहा है। पोल शिफ्टिंग के साथ साथ विद्युत तार खींचने का कार्य लगातार जारी है। विदित हो कि नेशनल हाईवे निर्माण विभाग द्वारा पुरूर से शेरपार होते हुए चंद्रपुर महाराष्ट्र तक सड़क का निर्माण तीन चरणों में किया जा रहा है। प्रथम चरण में ग्राम पुरूर से ग्राम झलमला तक नेशनल हाईवे का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वर्तमान में ग्राम झलमला से ग्राम शेरपार तक 37 किलोमीटर हाईवे का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसके पश्चात शेरपार से चंद्रपुर महाराष्ट्र की सीमा तक का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि नगर की सीमा के पश्चात पाना बरस डिपो से आगे शेरपार तक वर्तमान सड़क मार्ग अनेकों स्थान पर घुमावदार होने के कारण दुर्घटना जन्य मार्ग के रूप में जाना जाता है। वर्तमान नेशनल हाईवे निर्माण के दौरान दानी टोला घाट एवं दहान के अंधा मोड़ को सीधा सपाट बनाने पहाड़ों को काटकर सड़क को सीधा किया जा रहा है, जिससे भविष्य में दुर्घटना की संभावना नहीं रहेगी। कुसुम कसा चौक से शेरपुर मानपुर चौक तक चौड़ीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। यथाशीघ्र सड़क डामरीकरण का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। कार्य के प्रारंभिक चरण में जिला मुख्यालय में नेशनल हाईवे के निर्माण कार्य को लेकर मार्ग के किनारे व्यापार करने वाले व्यापारियों एवं निर्माण एजेंसियों के मध्य कुछ विवाद की स्थिति निर्मित हुई, लेकिन कलेक्टर कुलदीप शर्मा के मध्यस्थता के पश्चात हाईवे निर्माण में नगर के व्यापारियों का पूर्ण सहयोग मिल रहा है। वहीं कुछ विकास कार्य विरोधी तत्व समय समय पर कार्य में खामियां का जिक्र कर अपने हित साधने का प्रयास करते नजर आते हैं, लेकिन कलेक्टर कुलदीप शर्मा की सतत निगरानी में नेशनल हाईवे निर्माण एजेंसी द्वारा गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य किया जा रहा है।